औलाद के सताए बुजुर्गों को अगर अपने अधिकार पता हो तो वे अपने नालायक बेटे या बेटी को कानून की मदद से सबक सिखा सकते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में वह कोर्ट के जरिए उनसे अपने गुजारे का खर्चा ले सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बुजुर्ग हैं और आपकी संतान आपका ख्याल नहीं रखते तो आप उनसे कैसे अपना गुजारा खर्चा ले सकते हैं और इस अधिनियम में बुजुर्गों के क्या क्या अधिकार हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून भी है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद में बुजुर्गों से मारपीट जैसे मामलों से बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में बुजुर्गों को कई अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये अधिनियम क्या कहता है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 या उससे ज़्यादा है, जो अपनी आय या अपनी संपत्ति से होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, वे अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेली माता पिता भी शामिल हैं। अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि अगर रख रखाव का दावा करने वाले दादा दादी या माता पिता हैं और उनके बच्चे या पोता पोती अभी नाबालिग हैं तो वे अपने रिश्तेदार जो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा उस पर भी दावा कर सकते हैं। कोई वरिष्ठ नागरिक अगर इस शर्त पर अपनी संपत्ति उत्तराधिकारी के नाम कर चुका है कि वह उसकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों का भरण पोषण करेगा तो उसके ऐसा ना करने पर वे अपनी संपत्ति उससे वापस भी ले सकता है। वरिष्ठ नागरिक अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास अर्जी लगा सकते हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय द्वारा अधिकतम 10,000 रुपये तक प्रतिमाह का भरण पोषण खर्च वरिष्ठ उन्हें दिला सकता है। वरिष्ठ नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन पेश कर सकते हैं। कानून यह भी है कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक वृद्धा आश्रम हो ताकि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनका कोई नहीं है उनकी यहाँ देखभाल हो सके। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के उपचार का अलग से प्रावधान है, उन्हें ज़्यादा वक्त तक इंतजार ना करना पड़े इसके लिए अलग से लाइन की व्यवस्था होती है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या फिर उन्हें घर से निकाल देना एक गंभीर अपराध है, इसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने कैद या दोनों हो सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ गए होंगे और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।